हे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फंक वॉच। और हाँ फ्रेंड्स, यूट्यूब के घंटे को बजाना मत भूलना फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस। हाँ, तो आप लोग रेडी हो? आप लोगों से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन प्रति घंटा 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो उसमें से निकलने वाला धुआं किस तरफ जाएगा? अगर सामने से हवा आया तो पीछे। आपका पीछे बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहां वहां से यहाँ यहाँ से वहां वहां से वहां छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान। इसलिए वो तो जो आसपास भेजने वाला है वो लोग का तरफ ही तो जाएगा ना वो धुआं। तो आपका आंसर ये जी? और आपका नहीं पता तो आप सही हो रहे, मतलब यही आंसर है? यही आंसर है। इसलिए लगता है जब हम लोग गाड़ी से आगे देखे, हम ट्रेन का तो छोड़िए, अभी हम लोग गाड़ी से जब धुआं निकलते हैं तो हम लोग जब उसका सामने से आता है तो सामने वाला को इफेक्ट पड़ता है ना वो। तो पीछे होके ऊपर जाएगा, पीछे होके पीछे ऊपर चला जाएगा। तो आप लोगों का फाइनल है? तीनों का फाइनल है। और एक बात है, अगर हवा मतलब इस तरफ से आया, ट्राई कीजिए कि थोड़ा जोर से बोलने का कोशिश, मतलब हवा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो साइड से भी आ सकता हवा। तो अगर इस तरफ से हवा ज़्यादा तेज से है तो ऊपर से होके इस तरफ से कट मार सकता है ना, इसीलिए किसी और भी जा सकता है वो। और आपका? मेरा भी सेम है वैसे ही। आपका भी सेम है? आप तीनों का सेम है? पीछे से आएगा, पीछे पीछे जाएगा। आपका धुआं आ रहा है पीछे, मतलब राइट तरफ में जा सकता है। नहीं पता, पीछे हाँ पीछे आगे आगे। आपका आगे एक बार गेम आगे आगे जाओ आप पहले आगे आगे। तो फाइनल है आपका सभी का? एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन प्रति घंटा 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और आगे से हवा आ रहा है, तो उसमें से निकलने वाला धुआं किस तरफ जाएगा? पीछे। तो फाइनल है पीछे? हाँ चल रहा है। तो बताओ, अगर आप लोगों को पता है तो बताओ। 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है तो धुआं ऊपर से निकल रहा है, हवा इधर से आ रहा है तो पीछे तरफ इस तरफ जाएगा। पीछे से तरफ तो आप लोगों का फाइनल आंसर पीछे है? बताओ, मुझे लग रहा कि आपको पता है। यहाँ देख के बताओ, अभी भी पीछे है आप लोगों का? धुआं ही नहीं आएगा जी। आप लोग सही हो, इलेक्ट्रिक से धुआं नहीं आता है। तो अब मेरी बारी है, मैं आंसर दे रहा हूँ। तो एक्चुअली आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं नहीं आता है क्यों होता? तो धुआं नहीं आता, तो ट्रेन इलेक्ट्रिक था। हाँ दोनों गलत हो, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं नहीं आता है। तो बस थैंक यू, आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया, थैंक यू। चाइना का लोग जापान का मुकाबले बहुत ज़्यादा चावल खाता है, क्यों? जापान। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए अगला कॉलेज कौन सा हो, तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कॉमेंट कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।